हम देखते हैं एमन ने अपनी पार्टनर एनेथ को जिंदा कर दिया था। ये बात सबको पता चल जाती है। किंग ये देखकर काफी चौंक जाता है। राइकस को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि अब वो क्या करे। वेजिटा कहता क्या तुम इससे इतना डर रहे थे, इसमें क्या खास बात है? और राइकस कहता बेवकूफ मोटर तुम इस बारे में क्या ही जानते हो। किंग कहता है ये आपस में बहस करने का वक्त नहीं है, मैं और राइकस मून को देखते हैं, अब बाकी तुम सब मेरे डैड को देखो। किसी भी हाल में उन दोनों को एक मत होने देना, दोनों को एक दूसरे से दूर ही रखना। कोहन कहता है ये तुम अब क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। गोकू कहता है इसका कहने का मतलब इन दोनों के फ्यूजन से है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? किंग कहता हाँ गोकू तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तो जाओ अब उन्हें रोको। एनत कहती है एमोन तुमने मुझे यहाँ लाने में काफी टाइम लगा दिया, तुम्हें पता है मैं कितने सालों से वहाँ अकेली थी। एमोन कहता है मैं जानता हूँ एनत, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ भी वही किया था जो तुम्हारे साथ किया, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मैं वहाँ से बाहर आ गया। एनत कहती है तो चलो फिर इन सबको मिलकर खत्म कर देते हैं। एमोन कहता हाँ क्यों नहीं, मैं भी इसी का इंतजार कर रहा था। ये कहने के बाद वो आपस में एक होने लगते हैं। तभी ओराइकस और किंग एनत पर हमला कर देता है और दूसरी तरफ गोकू गोहन वेजिटा भी एमन पर हमला कर देते हैं। एनत कहती है मेरे बेटे क्या तुम अभी भी मेरे खिलाफ हो? किंग कहता है अगर आप गलत नहीं होते तो मैं कभी भी आपके खिलाफ नहीं होता, आपने मेरी आंखों के सामने ना जाने कितने मासूमों को मारा है, वो भी बिना किसी वजह के। एनत कहती है क्योंकि वो सब उसी लायक थे। ये कहने के बाद वो किंग पर एक जोरदार पंच करती है जिससे किंग काफी दूर जाकर गिरता है। अचानक से एक बहुत बड़ा हमला किंग पर दोबारा कर देती है, लेकिन ओराइकस बीच में आकर उस हमले को खत्म कर देता है और किंग को बचा लेता है। गोकू वेजिटा गोहान भी एमन से फाइट कर रहे थे। गोकू और गोहान अपनी पर्पल फॉर्म में होते हैं, वेजिटा भी अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था। वो तीनों एक साथ एमन पर हमला कर रहे थे, लेकिन एमन उन सबके सारे हमलों को डॉज कर रहा था। एमन को उनके हमले रोकने में परेशानी हो रही थी, लेकिन उनके हमले से एमन को कुछ भी नहीं हो रहा था। गोकू कहता है इसे हराने के लिए इतना काफी नहीं होगा, हमें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। एमन ये सुनकर कहता है क्या तुम्हें क्या लगा तुम मुझे हरा दोगे, मैंने तुम्हें थोड़ी सी छूट क्या दे दी, तुम तो मुझे बहुत कमजोर समझने लगे। और ये कहकर एमन अपनी थोड़ी सी पावर को बढ़ाता है और उन पर एक हमला करता है और उन तीनों को एक ही बार में घायल कर देता है। वेजिटा कहता है ये क्या था, इसका हमला इतना पावरफुल, हम तीनों मिलकर भी उसे रोक नहीं पाए। गोहन कहता है डैड क्या आप उस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो आपने उस डेमन को हराने के लिए किया था? गोकू कहता है गोहन मैंने तुम्हारे बोलने से पहले ये किया था, लेकिन मैं उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा हूँ, शायद किंग ने सही कहा था, मैं उस फॉर्म में तुम्हारी वजह से जा पाया था। एमन कहता है क्या हुआ, तुम सब क्या बातें कर रहे हो, तुम्हारी हालत तो मेरे एक ही हमले ने खराब कर दी। वेजिटा कहता अपनी बकवास बंद करो। ये कहकर वो उठता है और अपनी पावर को बढ़ाता है और एमन पर एक जोरदार पंच करता है, लेकिन उस पंच से एमन को कुछ भी नहीं होता और वो हंसता है और कहता है बेवकूफ मोटरल तुमने शायद मेरे बारे में पता नहीं है। ये कहने के बाद वो वेजिटा की गर्दन को दबा देता है। वेजिटा दर से चिल्लाने लगता है। गोकू गोहन ये देखकर कहते हैं नहीं वेजिटा, और तभी हम देखते हैं वेजिटा के पास से अचानक बहुत तेज रोशनी फैलने लगती है और हम वेजिटा को देखते हैं जो एमोन की पकड़ से आजाद हो गया था और वो एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था। गोकू गोहन ये देखकर कहते हैं वेजिटा क्या तुमने अब तक हमसे ये छुपा रखा था? वेजिटा कहता हाँ क्योंकि मुझे इसका इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला था, लेकिन आज मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता हूँ। और हम देखते हैं वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो की थर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था। एमन ये देखकर कहता है वाह क्या बात है तुम तो काफी अलग हो मॉडर्न। एमन जैसे ये कहता है हम देखते हैं वेजिटा उसे एक जोरदार पंच करता है और इस बार एमन को ये पंच काफी जोर का लगता है और वो काफी दूर जाकर गिरता है। वेजिटा फिर भी नहीं रुकता और उस पर बहुत सारे की ब्लास्ट से हमला कर देता है जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। और जैसे उस धमाके का असर कम होता है हम एमन को देखते हैं उसे कुछ भी नहीं हुआ था, वो हंसते हुए कुछ कहता। वेजिटा उस पर अपना फाइनल फ्लैश अटैक कर देता है जिससे वहाँ पर इस बार बहुत बड़ा धमाका होता है। एनत ये देखकर कहती है ये क्या था, क्या वो मॉडल एमन पर भारी पड़ रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, पूरे मल्टीवर्स में उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता, फिर ये मॉडल कैसे? और जैसे उसका ध्यान हटता है हम देखते हैं राइकस उस पर अपना हमला कर देता है जिससे एनत भी चोट खाकर काफी दूर जाकर गिरती है। राइकस भी कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा वो मॉडल एमन पर भारी पड़ रहे हैं। और इसके बाद हम एमन को देखते हैं जो उस हमले के बाद काफी ज्यादा घायल हो गया था और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है तुम मॉडल तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को बढ़ाता है और खुद को हील कर वेजिटा पर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन वेजिटा उसके हमले को टॉच कर देता है और एमन पर अपना हमला करता है और उन दोनों में फिर से काफी तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। गोकू कहता है क्या बात है वेजिटा उसको संभाल रहा है।
गुहान हमें इसका फायदा उठाना चाहिए और उस पर हमला करना चाहिए। वेजिटा उसे फाइट करते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा उस हमले के बाद भी तुम जिंदा हो, मुझे लगा था तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। एमोन कहता, अपनी बकवास बंद करो मोटर, नामो निशान तो मैं तुम्हारा मिटाऊंगा। ये कहने के बाद वो वेजिटा पर अपना बहुत पावरफुल हमला करता है, लेकिन वेजिटा उसके ये हमले को भी टॉच कर देता है, जिससे वो काफी दूर जाकर एक चट्टान से टकरा कर गिर जाता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा सब इससे इतना ज्यादा डर रहे थे। और ये कहने के बाद वो एमोन के पास जाता है और उसे देखकर कहता है, क्या ये इतना जल्दी मर गया। वेजिटा जैसे ये कहकर वहाँ से जाने लगता है, हम देखते हैं एमोन अचानक से उसे एक जोरदार पंच करता है और अपना हाथ उसके शरीर के आर पार कर देता है। गोकू गोहान ये देखकर कहते हैं, वेजिटा। एमोन कहता है, क्या हुआ मोटर, तुम्हारी सांसें तो बंद हो रही है। और हम देखते हैं वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में आकर जमीन पर गिर जाता है। गोकू गोहान ये देखकर बहुत गुस्सा होते हैं और अपनी पावर को बढ़ाकर उस पर हमला कर देते हैं। वो बहुत गुस्सा होते हैं इसलिए उनके हमले से काफी ज्यादा तबाही मचने लगती है। एमोन ये देखकर कहता है, अब इन मोटर को क्या हुआ, अचानक से इनकी पावर इतना ज्यादा कैसे बढ़ गई। हम देखते हैं गोकू गोहान उस पर लगातार अपना हमला करते रहते हैं, एमोन उनके हमले को नहीं रोक पा रहा था। गोकू गोहान के हमले से बहुत ज्यादा तबाही मचने लगती है। गोकू गोहान दोनों एक साथ उस पर अपना कामेहामेहा चार्ज कर देते हैं, जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और वो पूरी जगह तबाह हो जाती है। गोहान कहता है, डैड क्या वो उस हमले से मर गया होगा। गोकू कहता है, मुझे भी इस बारे में पता नहीं गोहान। गोकू जैसे ये कहता है अचानक से एमोन उस हमले से बाहर निकलता है और गोकू को एक जोरदार पंच करता है। हन ये देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है, डैड नहीं, वो इतना जल्दी रिवर्स अटैक कैसे कर सकता है। गोहान जैसे ये कहता है, हम देखते हैं एमोन गोहान पर भी अपना हमला कर देता है। गोहान उस हमले को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और चोट खाकर बहुत दूर गिरता है। एमोन अचानक से फिर से उस पर अपना की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और उस हमले की वजह से गोहान बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन वो अपनी पर्पल गॉड की पावर से खुद को हील कर देता है और एमोन पर दोबारा हमला करता है, लेकिन एमोन उसके हमले को बहुत इजीली टॉच कर देता है और गोहान पर एक जोरदार पंच करता है, जिससे उसे काफी चोट आती है। एमोन कहता है, क्या मोटर, तुम भी मर के ही मानोगे। और ये कहने के बाद वो बहुत सारे पंच कर देता है, जिससे गोहान काफी ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन गोहान फिर से अपने आप को हील करता है और कहता है, तुमने वेजिटा को मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एमोन कहता है, तुम मोटर सच में काफी जिद्दी हो और काफी अलग भी, तुम्हें मारने में सच में मुझे बहुत मजा आएगा। कहने के बाद वो गोहान पर अपना फिर से एक पंच करता है। इस बार गोहान उसके पंच को टॉच करके उसके पीछे चला जाता है और अपनी पूरी ताकत से पर्पल कामेहामेहा चार्ज कर देता है। उस हमले से वो पूरा प्लेनेट कांपने लगता है। राइकस कहता है, भला ये मोटर कर क्या रहे हैं। एनुत कहते हैं, क्या अभी तक एमोन ने उन मोटर को खत्म नहीं किया, उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है। एनुत जैसे ये कहती है कि उस पर एक जोरदार पंच करता है और कहता है, मोम आपकी फाइट हमसे है इसलिए यहाँ ध्यान दो। एनुत कहती है, तुमने सही कहा मेरे बच्चे, मैंने तुम पे बहुत ज्यादा रहम कर लिया। ये कहने के बाद वो किंग पर एक जोरदार हमला करती है, से किंग काफी पीछे चला जाता है। और राइकस कहता है, थोड़ा संभल के उसके ज्यादा करीब मत जाओ, वो बहुत खतरनाक है, भले ही वो तुम्हारी मोम क्यों ना हो। किंग कहता, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे एक छोटा सा काम करना है, इसलिए फिलहाल तुम मेरी मोम को संभालो, मैं बस अभी आया। और राइकस कहता है, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो। कहने के बाद किंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एनुत बीच में आकर उसे रोकती है, लेकिन राइकस बीच में आकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है और किंग इसका फायदा उठाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम गोहान को देखते हैं, जो उस हमले के बाद काफी थक गया था, उसे लगता है कि शायद उसने कर दिखाया, लेकिन तभी अचानक से एमोन उसके सामने आ जाता है और कहता, तुम तो काफी थक गए मोर्टन, सच में तुम्हारे साथ खेलने में मुझे काफी मजा आ रहा था। ये कहने के बाद वो गोहान को एक किक करता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है और कहता है, तुम्हारा खेल खत्म। और ये कहने के बाद उस पर अपना फाइनल हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। और राइकस ये देखकर कहता है, क्या उसने उन मोटर को मार दिया। किंग भी कहता है, क्या डैड ने उन सबको खत्म कर दिया। जैसे उस धमाके का असर खत्म होता है, हम देखते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं होता। कू ने अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके गोहान को बचा लिया था और गोकू अपनी कम्प्लीटली पर्पल गॉड की फॉर्म में होता है। गोकू कहता है, गोहान इसे अब मुझ पर छोड़ दो, तुम आराम करो। एमोन ये देखकर कहता, क्या बात है मोटल, तुमने इस पावर को भी हासिल कर रखा है, तुम तो लगातार मुझे चौंका रहे हो, पता नहीं क्यों मैं ये बार बार भूल जाता हूँ कि तुमने डीमन किंग को हरा रखा है। वो भले ही मेरे जितने ताकतवर नहीं थे, लेकिन उन्हें हराना नामुमकिन था, और जहाँ तक मुझे पता है उसने तो ग्रैंड फिस्ट की डार्क फ्लेम की ताकत को भी छीन लिया था, हो सकता है उसके बाद शायद वो मेरे जितना ताकतवर हो भी गया हो। गोकू कहता है, मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारे जितना ताकतवर था या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा।
ये कहने के बाद वो एमोन पर हमला करता है और उनमें काफी तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। ओकू लगातार उस पर हमला करता रहता है लेकिन एमोन उसके सारे हमले को टॉच कर देता है। ओकू ये देखकर थोड़ा शॉक रहता है कि वो उसकी स्पीड को कैसे मैच कर रहा है। मन गोकू के चेहरे को देखकर हंसता है और कहता है, तुम यही सोच रहे हो ना मैं तुम्हारे इस फॉर्म का सामना कैसे कर पा रहा हूँ, तो शायद तुम भूल गए कि उस डेमन ने भी तुम्हारे इस फॉर्म का सामना बहुत आसानी से किया था। और मैं तुम्हें एक बात कहूँ, अगर वो जेनोसामा की भी ताकत ले लेता तो मेरे जितना पावरफुल कभी नहीं हो सकता था। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम ये सुनकर क्या रिएक्ट करते हो। गोकू कहता, अपनी बकवास बंद करो और फाइट करो। और ये कहते ही गोकू उस पर एक जोरदार पंच करता है। एमोन उस पंच से काफी दूर जाकर गिरता है और एहनत से कहता, एहनत बहुत हुआ, इस खेल को अब खत्म करो। उनकी बात सुनकर एहनत काफी खुश होती है और कहती है, मैं यही तो चाहती थी। गोकू कहता है, इससे आखिर इसका क्या मतलब है। एमोन ये कहते ही अपने डेविल फॉर्म में चला जाता है और राइकस कहता है, क्या ये सब आपस में मिलने वाले तो नहीं है, मुझे इन्हें रोकना होगा। एहनत भी अपनी डेविल फॉर्म में चली जाती है। इसके बाद वो ओराइकस पर हमला करती है और उसके हमले की वजह से बहुत सारे वॉरियर वहाँ पर अचानक से आ जाते हैं। सारे मिलकर ओराइकस पर हमला कर देते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं ओराइकस ने सबको एक ही बार में खत्म कर दिया था। एहनत ये देखकर काफी चौंक जाती है और कहते है, क्या ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया है। और तभी अचानक से ओराइकस उसके सामने आकर उसे एक जोरदार पंच करता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरती है। एमोन भी ये देखकर काफी चौंक जाता है और कहता, भला ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया है। और तभी गोकू भी एमोन पर अपना हमला करता है लेकिन एमोन को उस हमले से कुछ भी नहीं होता। वो गोकू पर एक हमला करता है और उसे एक ही हमले में बेहोश कर देता है। और हम देखते गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और इसके बाद वो ओराइकस के पास जाता है और कहता, तुम सच में काफी ताकतवर हो गए हो लेकिन तुम हम दोनों का सामना कैसे करोगे। इसके बाद हम किंग को देखते हैं जिसने वेजिटा को हील कर दिया था। वेजिटा आता है और कहता है, वो अकेला नहीं है। जीटा जैसे ही कहता है, हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट और गिलगमेश भी वहां पर आ जाते हैं। ओराइकस ये देखकर कहता है, तुम सब यहां क्यों आ गए, तुम्हें मैंने मना किया था ना। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, फादर हमें ये एनर्जी महसूस हुई और हमें लगा आप खतरे में हैं और आपको हमारी जरूरत है, इसीलिए हम यहां पर आ गए। तभी एमोन कहता, अच्छा तो तुम्हें लगा तुम इनकी मदद कर दोगे, तुम आ तो गए हो लेकिन यहां से जिंदा बचकर जा पाओगे। तभी ओराइकस कहता, गिलगमेश ग्रैंड प्रीस्ट तुम सब यहां से चले जाओ, अगर हम इस फाइट में हारे जाते हैं तो तुमसे मैंने जो कहा है वो करना, इसीलिए तुम सब लौट जाओ। एमोन कहता है, क्या तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें जाने दूंगा। ये कहने के बाद वो अचानक से गिलगमेश और ग्रैंड प्रीस्ट के पीछे चला जाता है, उन पर एक हमला करके उनको घायल कर देता है। ये देखने के बाद किंग और वेजिटा एमोन पर हमला करते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ओराइकस भी उनकी मदद करने के लिए जाता है लेकिन तभी बीच में एहनत आ जाती है और ओराइकस को जाने से रोक देती है। और हम देखते हैं ओराइकस एहनत से फाइट करने लगता है। एहनत अपना सबसे खतरनाक हमला दोबारा करती है और हम देखते हैं ओराइकस के सामने फिर से बहुत सारे वॉरियर्स आ जाते हैं और वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा होते हैं और वो ओराइकस पर टूट पड़ते हैं। ओराइकस उन सबको नहीं संभाल पाता, उन सबसे गिर जाता है। एहनत ये देखकर कहती है, मुझे पता था तुम मेरे हमले को इस बार नहीं रोक पाओगे। तभी अचानक से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं ओराइकस ने फिर से उन सबको एक ही बार में खत्म कर दिया था और अब वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर रहा था। एहनत ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहती है, नामुमकिन, भला वो उस हमले से कैसे बच सकता है, क्या ये सच में इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि मेरा सामना कर पाए। हम देखते हैं ओराइकस बहुत तेजी से एहनत पर हमला करता है और उसे एक ही पंच में घायल कर देता है। एहनत के पूरे शरीर से खून निकलने लगता है। वो कहते हैं, नहीं, इसका पंच इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, इसने मेरी ऐसी हालत कर दी। लेकिन वो अपने आप को बहुत जल्दी हील कर लेती है और फिर से ओराइकस पे बहुत सारा हमला करती है। ओराइकस उसके सारे हमले को टॉच करता है और उस पर अपना हमला करता है लेकिन एहनत भी इस बार उसके हमले को टॉच कर देती है और वो दोनों एक दूसरे पर लगातार हमला करते रहते हैं। दूसरी तरफ वेजिटा किंग गिलगमेश और ग्रैंड प्रीस्ट मिलकर एमोन पर हमला करते हैं। एमोन उनके हमले से बच तो पा रहा था लेकिन वो चारों उन पर फिर भी भारी पड़ रहे थे। गिलगमेश और ग्रैंड प्रीस्ट अपनी डार्क फिल्म की पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। वेजिटा भी अपनी अल्ट्रा ईगो की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था और किंग भी अपनी फुल पावर से अपने डैड पर हमला कर रहा था। वेजिटा कहता है, तुमने मुझे बहुत अच्छा कर दिया, मैं पहले से भी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। किंग कहता, हाँ मैंने तुम्हें हील कर दिया है, इसीलिए शायद मेरी पावर तुम्हारे अंदर चली गई हो, इसीलिए तुम अपने आप को ज्यादा ताकतवर महसूस कर पा रहे होगे। वेजिटा कहता है, ऐसी बात है तो क्यों ना मैं इसका फायदा उठाऊं। और ये कहने के बाद वो लगातार एमोन पर हमला करने लगता है। वेजिटा को ऐसा करते देख बाकी सभी एमोन पर टूट पड़ते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट अपनी एंजल सबमिशन वे से बहुत ज्यादा ग्रेविटी को बढ़ा देता है जिससे एमोन हिल भी नहीं पाता। इसका फायदा उठाकर गिलगमेश अपने डार्क फिल्म की ताकत का इस्तेमाल करके एंजल स्वॉर्ड से एमोन पर हमला करता है। वेजिटा भी अपनी पूरी ताकत से फाइनल फ्लैश से हमला करता है। ये देखकर किंग भी अपनी पूरी ताकत से अपने डैड पर हमला करता है जिस वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है।
एलेथ ये देखकर घबरा जाती है और कहती है क्या उन सब ने एमोन को मार दिया। वो एमोन के पास जाने की कोशिश करती है लेकिन ओराकस उसे रोक लेता है और उसे एक जोरदार पंच करके काफी दूर फेंक देता है और उस पर अपनी डार्क फ्लेम से एंजल स्वॉर्ड से हमला कर देता है और कहता है इसके लिए इतना काफी नहीं होगा। और ये कहने के बाद वो इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट टेक्निक का भी इस्तेमाल कर पूरी ताकत को सोख लेता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। और ओराकस कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम सब ने मिलकर उसे हरा दिया। वहन ये देख कर कहता है वाह उन्होंने हमारे बगैर वो कर दिया। और ये कहने के बाद वो गोकू के पास चला जाता है, कहता है डैड उन सब ने मिलकर उन दोनों को खत्म कर दिया, वो सब कमाल के हैं। गोकू कहते हैं क्या तुम सच कह रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम वेजिटा और किंग को देखते हैं। किंग को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, वो कहते हैं नामुमकिन डैड अभी तक जिंदा है। किंग की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। गिलगमेश कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, इतने सारे हमले के बाद कोई भी जिंदा नहीं बच सकता है। वेजिटा भी कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, उन हमलों के बाद किसी का बचना नामुमकिन है। जहाँ पर तुम्हारे डैड थे वो पूरी जगह धूल में बदल गई है, ऐसा लग रहा है वहाँ पर कुछ था ही नहीं, फिर तुम्हारे डैड कैसे बच सकते हैं। इसके बाद हम एमोन को देखते हैं जो जिंदा था लेकिन उसकी हालत काफी खराब थी। वो कहता है मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, अगर मुझे ये करना है तो एनत के साथ मिलना होगा। ग्रैन बिस्ट ये देख लेता है और कहता है तुम सच कह रहे, वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद हम ओराकस को देखते हैं जो एनत के पास जाता है और कहता है क्या अभी भी ये जिंदा है। एनत की हालत एमोन से भी ज्यादा खराब हो गई थी, वो उठ भी नहीं पा रही थी, उसके अंदर जरा से भी ताकत नहीं बची थी। ओराकस ने उस हमले से उसकी सारी पावर को खत्म कर दिया था। ओराकस उसकी गर्दन पकड़कर उठाता है और कहता है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। एमोन ये देख लेता है और कहता है क्या उसने एनत को मार दिया। ये कहने के बाद वो पागल सा हो जाता है और अपनी पावर को इतनी ज्यादा बढ़ाता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। वेजिटा गिलगमेश ग्रैन बिस्ट किंग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। उस धमाके की वजह से किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है। गोहान ये देख कर कहता है डैड ये अब क्या हो रहा है। गोकू कहता है शायद वो अभी भी जिंदा है गोहान। और हम देखते हैं एमोन वहाँ से गायब हो जाता है। और ओराकस ये देख कर कहता है अब ये क्या हो रहा है। उसका ध्यान जैसे ही हटता है हम देखते हैं एमोन एनत को बचा लेता है। और ओराकस कहता है ये तो वैसे ही हुआ जैसे मैंने गिलगमेश को बचाया था। एमोन एनत को देख कर कहता है नहीं एनत तुम मर नहीं सकती, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। एनत कुछ भी नहीं कहती, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। एमोन ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है ओराकस मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओराकस ये समझ जाता है और कहता है एमोन को उससे अलग करना होगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ओराकस जब तक वहाँ पहुँचता वो दोनों आपस में मिल गए थे और उस पावर की वजह से ओराकस काफी दूर हट जाता है, वो उन तक पहुँच भी नहीं पाता। और हम देखते हैं उनके सामने एमोन और एनत का फ्यूजन खड़ा था। ओराकस कहता है क्या उन्होंने ये कर लिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और हम देखते हैं वो अपनी पावर से अपने सारे वॉरियर को जिंदा कर देते हैं और अचानक से वहाँ पर बहुत बड़ी सेना आ जाती है। सब ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं सिवाय ओराकस के, और वो कहता है जिसका डर था वही हुआ। और हम देखते हैं अचानक से वो सारे वॉरियर सब पर टूट पड़ते हैं। ग्रैन प्रीस्ट और गिलगमेश और बाकी सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते, वो बहुत ज्यादा होते हैं और काफी तेज भी, वो उन्हें हमला करने का मौका भी नहीं देते और वो उनके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं और काफी ज्यादा घायल भी हो जाते हैं। एमोन कहता है अब क्या हुआ ओराकस, तुम क्या करोगे, देखो तुम्हारे साथी और तुम्हारा बेटा मरने वाला है। ओराकस इसका कोई जवाब नहीं देता और कहता है मुझे अब वो करना ही होगा। एमोन कहता है क्या तुम फिर से वही करने वाले हो, लेकिन उसके बाद शायद तुम जिंदा ना बचो क्योंकि फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। ओराकस उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और अपनी पावर को इतनी ज्यादा रिलीज करता है कि वहाँ पूरी जगह रोशनी से भर जाती है। अचानक से वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है, वो पूरा प्लेनेट भी तबाह होने लगता है और वो सारे वॉरियर एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं। एमोन और बाकी सब भी हमले से बहुत दूर जाकर गिरते हैं। हम ओराकस को देखते हैं, वो लड़ने लायक बिल्कुल भी नहीं रहता, उसने पूरी ताकत लगा दी थी। ग्रैन बिस्ट कहता है डैड आपने ये क्या किया। गिलगमेश भी कहता है लॉर्ड ओराकस आपने हमें बचाने के चक्कर में अपनी पूरी ताकत लगा दी, आपको ठीक होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तभी वहाँ पर एमोन अचानक से आ जाता है और कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि अब तुम में से कोई नहीं बचने वाला है। ये कहने के बाद वो उन पर एक हमला करता है और वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं वो सब बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। ग्रैन बिस्ट कहता है इसकी पावर बहुत ज्यादा है। वेजिटा भी कहता है ये फ्यूज करने के बाद बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। कैकरोट कहाँ है, शायद मुझे भी उसके साथ फ्यूज कर लेना चाहिए। इसके बाद हम गोहान को देखते हैं, वो कहता है डैड वो सब उनके सामने नहीं टिक पा रहे हैं। ग्रैन बिस्ट के फादर और ओराकस भी बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं, मुझे ना चाहकर भी वो दोबारा करना पड़ेगा। गोकू कहता है नहीं गोहान ऐसा मत करो, अगर तुमने ये कर भी लिया फिर भी हम उसे नहीं हरा पाएंगे।
गोहान कहता, मैं जानता हूँ डैड, लेकिन अगर आपने फिर से उस फॉर्म को अनलॉक कर दिया तो शायद काम बन जाए। किंग ने कहा था, आप ये अकेले नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे आपके साथ दोबारा मर्ज होना पड़ेगा। ये कहने के बाद गोहान गुरकू के साथ मर्ज होने लगता है। दूसरी तरफ एमुन अचानक से उराइकस के पास दोबारा आ जाता है और कहता, ये तुमने क्या किया, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब हो गई, तुम मेरे वॉरियर को खत्म करने के चक्कर में कितने कमजोर हो गए हो, मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है। ये कहने के बाद वो जैसे उराइकस को मारने लगता है, हम देखते हैं वहाँ पर वेजिटा, गिलगमेश, किंग और ग्रैंडफिस्ट आ जाते हैं और वो एमोन को ऐसा करने से रोक लेते हैं और वो उराइकस को बचा लेते हैं। ग्रैंडफिस्ट कहता है, फादर क्या आप ठीक हैं, आप लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं लगते, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी एमोन कहता है, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाने वाला, तुम सबने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। वेजिटा, किंग, गिलगमेश एमोन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एमोन इस बार उनके सारे हमले को बहुत इजीली टॉच कर देता है और वो इतनी तेजी से उन तीनों पर एक साथ हमला करता है कि उन्हें दिखाई भी नहीं देता और वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। किंग कहता है, मेरे डर का मुकाबला अब कोई नहीं कर पाएगा, वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, अगर वो राइकस ठीक भी हो गए तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वेजिटा कहता है, फिर कोई तो रास्ता होगा उन्हें रोकने का। किंग कहता है, उन्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा, तक वो एक रहेंगे उनकी पावर बढ़ती ही जाएगी। इसके बाद हम एमोन को देखते हैं जो ओराइकस के पास जा रहा होता है। ये देखकर ग्रैंडफिस्ट उस पर हमला कर देता है और कहता है, मेरे फादर से दूर रहो। एमोन इसके हमले को इजीली टच करता है और ग्रैंडफिस्ट को एक जोरदार पंच करता है, जिससे ग्रैंडफिस्ट काफी दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। गिलगमेश ये देखकर दोबारा उठने की कोशिश करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाता और दोबारा बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। राइकस ये देखकर कहता है, तुम सब में से अब कोई उसे नहीं रोक पाएगा, इसलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ और जो मैंने तुमसे कहा था वही करो। राइकस जैसे ये कहता है, हम देखते हैं एमोन उसकी गर्दन को पकड़ लेता है, कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से गोकू आ जाता है और राइकस को बचा लेता है और हम देखते हैं गोकू अपनी सुपर सैन इन्फिनिटी फॉर्म में होता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, तुम्हारी वजह से गोहान नहीं रहा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एमोन ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है, क्या ये इस ताकत को कैसे हासिल कर सकता है। किंग, वेजिटा, बाकी सब भी ये देखकर कहते हैं, क्या गोकू इस फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया। राइकस ये देखकर कहता है, तुम मोर्टल सच में बहुत अलग हो, जब से तुमने मेरे बेटे को हराया मैं समझ गया था तुम कोई आम मोर्टल नहीं हो। गोकू कहता है, आप सब पीछे हट जाइए, इसे अब मैं देखता हूँ। ये कहने के बाद वो एमोन पर अचानक से हमला करता है, जिससे एमोन काफी दूर जाकर गिरता है। एमोन उठता है और कहता है, तुम्हारी ताकत सच में कमाल की है, मुझे पता है तुम भी अपने बेटे के साथ मर्ज हो गए हो, लेकिन तुमने बहुत देर कर दी, तुम्हें ये पहले करना चाहिए था। ये कहने के बाद वो गोकू पर एक हमला करता है, लेकिन अचानक से गोकू वहाँ से हटके उसके पीछे आ जाता है, उसे फिर से एक पंच करता है। एमोन ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और हमले से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमला उसे लग जाता है। एमोन कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है। किंग भी ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है, वो अकेले डैड का मुकाबला कर पा रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, उसकी ये ताकत तो सच में काफी कमाल की है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो बहुत सारे हमले एमोन पर लगातार कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन जैसे उस हमले का असर कम होता है हम देखते हैं एमोन बिल्कुल ठीक था। गोकू ये देखकर कहता है, क्या इतने सारे हमले करने के बाद भी वो बिल्कुल ठीक है। एमोन कहता है, बेवकूफ मोर्टल, इन छोटे मोटे हमले से मुझे कुछ नहीं होगा, मैं इतनी जल्दी बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को अप करता है और डार्क एनर्जी से एक हमला बनाता है जो बहुत बड़ा होता है। और राइकस ये देखकर कहता है, मोर्टल उससे बच कर रहना। गोकू कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मुझे इससे कुछ नहीं होगा। और हम देखते हैं एमोन वो हमला गोकू पर कर देता है। गोकू उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। गोकू को उस हमले से कुछ भी नहीं होता। राइकस ये देखकर कहता है, मोर्टल मैंने तुमसे कहा था वहाँ से हट जाओ। जीटा कहता है, उस हमले से गोकू को कुछ भी नहीं हुआ, फिर आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं। राइकस कहता है, तुम जल्दी ही जान जाओगे, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा, लेकिन मेरी बॉडी बहुत कमजोर हो चुकी है, शायद वो उस पावर को न झेल पाए। इसके बाद राइकस वेजिटा से कहता है, शायद तुम मोर्टल ये कर पाओ, तुम में भी वही बात है जो उन मोर्टल में है। ये कहने के बाद वो वेजिटा से कुछ कहता है। वेजिटा कहता है, लेकिन आप मुझे ये क्यों कह रहे हैं जबकि गोकू उसे हरा देगा। किंग कहता है, वेजिटा वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि गोकू अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। वेजिटा कहता है, भला ये तुम कैसे कह सकते हो, तुम्हारे फादर तो अभी क्या करोड़ के सामने टिक भी नहीं पा रहे, फिर वो कैसे जीतेंगे। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो एमोन पर हमला करता है, लेकिन एमोन उसके हमले को बहुत इजीली रोक लेता है।
और कहता, मॉर्टल तुम मेरे जाल में फंस ही गए। ये कहने के बाद वो गोकू को एक जोरदार पंच करता है जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू को समझ नहीं आता आखिर ये क्या हुआ। गोकू खड़ा होता है और एमोन पर दोबारा हमला करता है, लेकिन एमोन दोबारा उसके हमले को रोक लेता है और फिर से गोकू पर हमला कर देता है। गोकू लगातार एमोन पर हमला करता है, लेकिन एमोन को अब उसके हमले से कुछ भी नहीं होता। गोकू इससे पहले कुछ समझ पाता बहुत देर हो चुकी थी। एमोन अपना फाइनल हमला गोकू पर कर देता है, लेकिन गोकू किसी तरह उस हमले से बचने की कोशिश करता है और आखिरकार वो बच जाता है। और वो अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके अचानक से उसके पीछे आकर अपना कामेहामेहा चार्ज कर देता है। एमोन उस कामेहामेहा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो बहुत ही पावरफुल हमला होता है। गोकू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। वेजिटा कहता, तुम सबने देखा क्या, कारोट ने उसे हरा ही दिया। लेकिन जैसे उस हमले का असर खत्म होता है, हम देखते हैं एमोन जिंदा होता है, वो भी बिल्कुल सही सलामत। गोकू ये देखकर काफी शॉक हो जाता है और कहता, नहीं ये नामुमकिन है, भला तुम उस हमले से कैसे बच सकते हो। गोकू जैसे ये कहता है, हम देखते हैं एमोन अपना आखिरी हमला गोकू पर अचानक से कर देता है और वो हमला गोकू को जा लगता है और हम देखते हैं गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। एमोन कहता है, तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा थी लेकिन मेरे सामने किसी काम की नहीं। जब मैंने तुम पर अपना हमला डेविल एनर्जी से किया था, तब तुम्हारी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी थी। तब तक तुम समझ पाते मेरी डेविल पावर कैसे काम करती है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसीलिए तुम्हारा सारा हमला मेरे खिलाफ बेकार था। गोकू कहता, नहीं मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ, और राइकस ने मुझे कहा था, फिर भी मैंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद एमोन कहता, ठीक है मोटर, मरने के लिए अब तैयार हो जाओ। तभी हम देखते हैं ओराइकस, गिलगमेश, ग्रैंड फिस्ट अचानक से एमोन के सामने आ जाते हैं। किंग कहता, डर रुक जाइए, आखिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं। एमोन कहता, मेरे बेटे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम सब हार चुके हो, इसलिए मैं अब तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। ये कहने के बाद वो उन सब पर हमला करता है। ये देखकर बाकी सब भी एमोन पर हमला करते हैं, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। एमोन को उन सब के हमले से कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन जो हमला एमोन ने किया था उन सब से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। के बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो गोकू के पास जाता है और कहता, क्या करोट इसे पहनो। गोकू कहता, लेकिन क्यों। वेजिटा कहता, क्योंकि यही हमारे पास आखिरी रास्ता है। गोकू कहता, लेकिन इन मामूली पोटारा इयररिंग से क्या होगा, हम फ्यूज होकर भी उसे नहीं हरा पाएंगे। वेजिटा कहता, ये मामूली इयररिंग्स नहीं है बल्कि ये प्राइमर पोटारा इयररिंग्स है, और आइकस ने मुझे ये दिया है। वो एमोन को रोक रहे हैं, तब तक हमें फ्यूज करना होगा। उन सबके पास ज्यादा समय नहीं है ना हमारे पास। और आखिरी बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, और आइकस ने मुझे ये कहा है कि अगर हम इस पोटारा इयररिंग्स के प्राइमर पावर को ना संभाल पाए तो हम फाइट करने से पहले ही मारे जाएंगे। मैं मरने से पहले तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम ये ना कहो कि मैंने तुम्हें इस बारे में पहले नहीं बताया। गोकू कहता, वैसे भी हम मरने ही वाले हैं तो कोशिश करने में क्या जाता है। कहने के बाद गोकू और वेजिटा उस पोटारा इयररिंग्स को पहन लेते हैं, और वो जैसे ही फ्यूज होते हैं वो बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं। उस पावर को वो दोनों मिलकर भी नहीं संभाल पा रहे थे। गोहान गोकू के अंदर से कहता है, डैड वेजिटा क्या आप ठीक हैं। ये कहने के बाद गोहान भी अंदर ही अंदर अपनी पावर को अप करता है। गोकू वेजिटा उस पावर को नहीं संभाल पा रहे थे और वो लगातार चिल्ला रहे होते हैं, और उनके चिल्लाने की वजह से वो पूरी जगह तबाह हो रही होती है। उन सब के अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज हो रही होती है। एमोन ये समझ जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे फिर से बेवकूफ बना रहे हो, और राइकस अब ये क्या कर रहे हैं। ये कहने के बाद एमोन बहुत गुस्से में उन्हें मारने के लिए अपना हमला कर देता है। वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है, और जैसे वो धमाका खत्म होता है हम देखते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं होता, और हम देखते हैं किसी ने आकर उन सबको बचा लिया था, वो भी बहुत ही तेजी से। और हम देखते हैं वो और कोई नहीं गोकू वेजिटा का फ्यूजन वेजिटो था, और उसके अंदर गोहान भी। वेजिटो कहता है, मैं ये तुम्हारी वजह से कर पाया गोहान, अगर तुम पर्पल गॉड की पावर से हमें ही नहीं करते तो हम मारे जाते, पर अब हमें कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा खेल खत्म एमोन। एमोन कहता, तुम तो बहुत तेज हो गए हो, तुमने एक ही पल में सबको बचा लिया। और आइकस ये देखकर कहता है, आखिरकार तुम मॉडल प्राइमर पावर तक पहुंच गए, ये यकीन नहीं हो रहा, किसी के लिए करना आम बात नहीं थी। जीटो कहता है, क्या हम आपको अलग लग रहे हैं। इन कहता, हाँ सच में तुम बहुत अलग लग रही हो, तुम्हारे अंदर से खास पावर निकल रही है, मैंने आज से पहले ऐसी पावर कभी महसूस नहीं की थी। जीटो कहता, अच्छा तो यही प्राइमर पावर है, इसका मतलब मैं प्राइमर वेजिटो हूँ। और ये कहते ही बहुत तेजी से एमोन पर हमला कर देता है। एमोन उसके हमले को देख भी नहीं पाता तो वो काफी दूर जाकर गिरता है, और जैसे वो खड़ा होने की कोशिश करता है तभी वेजिटो उस पर एक जोरदार पंच कर देता है। एमोन उसके हमले को देख भी नहीं पाता, वेजिटो उस पर लगातार हमला करता रहता है।
वो वेजिटो को एक भी हमले से नहीं बच पाता क्योंकि वो उसे देख ही नहीं पा रहा था। एमुन बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को बढ़ाता है और कहता है, तुम सच में बहुत घटिया मॉडल हो, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। और ये कहने के बाद वो अंधाधुंध चारों तरफ हमला कर देता है। हर तरफ तबाही मचने लगती है, लेकिन वेजिटो उसके सारे हमले को टॉच करता हुए इसे एक जोरदार पंच फिर से कर देता है। इस वजह से एमुन और भी ज्यादा बुखला जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर वो कैसे लड़े जबकि वो वेजिटो को देख भी नहीं पा रहा था। वो पूरे प्लेनेट को तबाह करने की कोशिश करता है लेकिन वेजिटो उसे ऐसा नहीं करने देता। वेजिटो कहता, क्या हुआ, क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ? एमुन कहता, अपनी बकवास बंद करो मॉर्टल। ये कहने के बाद वो डेविल पावर से फिर से गोकू पर हमला करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। गोकू कहता, तुम अपनी एक चाल दो बार मुझ पर नहीं अजमा सकते, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद वो प्राइमर कामेहामेहा उस पर चार्ज कर देता है और हम देखते हैं वो पूरा प्लेनेट उस कामेहामेहा के साथ तबाह हो जाता है और उसी के साथ एमुन भी मारा जाता है। इसके बाद हम किंग को देखते हैं जिसने अपने चारों तरफ सील बना के सबको बचा लिया था। और राइकस अभी भी घायल था, वो कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा उन मोटर ने कर दिखाया। सबसे हैरानी की बात तो ये है वो प्राइमर पावर को कंट्रोल कर पाए जिसे मैं भी ढंग से नहीं सीख पाया हूँ। इसके बाद हम वेजिटो के पास जाते हैं जो उन सबके पास जाता है और कहता है, और राइकस अब हम अलग कैसे होंगे? और राइकस कहता है, अब तुम कभी भी अलग नहीं हो सकते। वेजिटो कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं? और राइकस कहता है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। और ये कहने के बाद वो प्राइमर पुटारा इयररिंग्स को अपने पास बुला लेता है जिस वजह से वो सब अलग हो जाते हैं। कोहन कहता है, मैं आपसे अलग कैसे हो गया डैड? गोकू कहता है, मुझे भी नहीं पता, शायद और राइकस को पता होगा। राइकस कहता है, मैं इतना तो कर ही सकता था, तो जाओ अब तुम सब चले जाओ। तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया मॉर्टल, और बस तुम्हारा एक काम बाकी है, अपने यूनिवर्स के टाइम चैम्बर के गेट को ठीक करना, इसलिए जल्दी जाओ। और हम देखते सब अपने अपने यूनिवर्स में लौट जाते हैं। गोकू वेजिटा भी अर्थ पर आ जाते हैं और वो सबसे पहले टाइम चैम्बर पे जाते हैं और वो देखते हैं डांटे और पिकलो ने मिलकर उस गेट को ठीक कर दिया था और सारी मुसीबत अब खत्म हो चुकी थी। गोकू गोहन वेजिटा को सांस में सांस आती है और कहता है, आखिरकार सब कुछ ठीक हो ही गया। गोकू कहता है, तो इस खुशी में चलो हम एक और पार्टी करते हैं। वेजिटा कहता, क्या करो, इतनी मुसीबत के बाद भी तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? गोकू कहता, चलो भी वेजिटा, शर्माओ मत, जब हमने उसे हरा ही दिया है तो इस खुशी में पार्टी तो बनती है। बाकी सभी मेरे साथ चलो, पिकलो, गोहान, वेजिटा, चलो चलते हैं। पिछली बार की पार्टी उसने खराब कर दी थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और हम देखते इसके बाद वो सब मिलकर पार्टी करने लगते हैं और खुशी मनाने लगते हैं और फाइनली सब कुछ ठीक हो गया था और ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है।